गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। टेंथ क्लास के लिए एक्सरसाइज 2.2 के 5 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। आज आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे एक अल्फा बीटा क्या है, रूट हैं इक्वेशन के, 3x² प्लस में 5x प्लस में 13। ये कोई मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है, इसके रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा। अब मुझे फर्स्ट पार्ट में निकालना है फर्स्ट पार्ट के अंदर वैल्यू निकालनी है मुझे 1/l अल्फा प्लस 1/l बीटा, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ अल्फा बीटा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा प्लस में बीटा से बीटा अल्फा, तो जो वैल्यू 1/l अल्फा 1/l बीटा की होगी वही वैल्यू बीटा प्लस अल्फा 1/l अल्फा बीटा की होगी। अब मुझे पता है इस इक्वेशन की अगर अल्फा बीटा क्या है, रूट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस के बी अपॉन में ए, बी क्या है माइनस के 5 अपॉन में, ए क्या है 3। अल्फा बीटा क्या होगा, सी अपॉन में ए, सी क्या है 13 अपॉन में ए कितना है 3। तो मेरे पास दोनों वैल्यू हैं, यहाँ पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है, माइनस के 5/3 अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 13/3, 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ गया 5/13। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्वेश्चन को सोल्व करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है कैसे भी, और वो वैल्यू पुट करनी है तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर मान लो मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ, उसमें मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। अब वहाँ तो हमने एलसीएम ले लिया था, यहाँ तो हम एलसीएम भी नहीं ले सकते, तो इसको कैसे सोल्व करें। तो हमें पता है अल्फा प्लस में बीटा के स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस में 2α β, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से मैं अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर वैल्यू निकाल सकता हूँ, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर माइनस 2α β, ये हो जाएगी वैल्यू। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, माइनस के 5/3 का स्क्वेयर माइनस के 2α β, वैल्यू कितनी है 13/3, इसको सोल्व कर देंगे वो वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की। क्लियर। अब थर्ड, अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, अल्फा बीटा क्या ले लिया मैंने एलसीएम, बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा स्क्वेयर, तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास जो हमने अभी भी निकाल ली थी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर माइनस 2α β अपॉन में अल्फा बीटा। तो यहाँ पर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू, यहाँ वैल्यू पुट करें क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये तो वैल्यू होती नहीं, तो हमें क्या करें यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ए की 3 प्लस बी की 3 की फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में ए बी। अब इसकी वैल्यू भी मेरे पास है, इसकी वैल्यू भी मेरे पास है, लेकिन इसकी वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, जो मेरी फॉर्मूले से आई थी वो वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस बीटा, तो ऐसे कैसा, इसकी वैल्यू हो जाएगी जो हमने यहाँ पर ही निकाल रखी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर माइनस 2α β प्लस में अल्फा बीटा। तो अगर आप इसको सोल्व करें तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर,
दो में सी का माइनस किया अल्फा बीटा, अब यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, तो आपने ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करना है। सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 7, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 एक दो पार्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर सेवन में ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये पूर्णमेल दे रखा है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। फर्स्ट पार्ट में फटाफट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखते रहें। तो हमने सीख लिया था अब क्या होगी वैल्यू, अल्फा प्लस में बीटा का स्क्वेयर माइनस के 2 अल्फा बीटा, वैल्यू पुट करें क्या होगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, माइनस के बी अपॉन में ए का स्क्वेयर माइनस के 2 C अपॉन में ए। इसको सोल्व करना है क्योंकि यहाँ पर तो ए की वैल्यू ए ही है और बी की वैल्यू बी है और सी की वैल्यू सी ही है। अगर मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ, वो तो हमने कर लिया सेकंड पार्ट, तो थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट दे रखा 1 अपॉन में अल्फा की क्यूब प्लस 1 अपॉन में बीटा की क्यूब, तो सबसे पहले एलिशियम अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, नहीं अल्फा की क्यूब अल्फा की क्यूब और बीटा की क्यूब, एलसीएम आ गया तो ऊपर बचेगा मेरे पास बीटा की क्यूब प्लस में अल्फा की क्यूब, तो ऊपर हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अल्फा की बीटा की क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस में अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा की क्यूब बीटा की। अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मुझे, इसकी वैल्यू मेरे पास थी ये रही ऊपर दे रखी है रही, अल्फा प्लस में बीटा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर माइनस के 2 अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा की 3 बीटा की 3, तो अल्फा प्लस में बीटा अल्फा प्लस में बीटा की स्क्वेयर माइनस के अल्फा बीटा ये आ जाएगा अपॉन में अल्फा की 3 और बीटा की 3, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा अलग है। फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट निकालना मुझे 1 अपॉन में ए अल्फा प्लस में बी का स्क्वेयर, ए बीटा प्लस में बी का स्क्वेयर, इसकी वैल्यू निकालनी है। मेरे पास पूर्ण मिल क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये गिवन है, तो आप देख सकते हो इक्वल टू 0। तो अगर अल्फा और बीटा क्या है इसके रूट हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वेयर प्लस में बी अल्फा प्लस में सी इक्वल टू 0। बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो, क्या लिख सकते हैं हम, ए बीटा स्क्वेयर प्लस में बी बीटा और प्लस में सी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से ए अल्फा स्क्वेयर प्लस में बी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के सी के इक्वल हो जाएगा। यहां आप चेक कर सकते हो माइनस के सी के इक्वल हो जाएगा यहां पे। अब अल्फा यहां से कॉमन आ जाएगा तो ए अल्फा प्लस में बी इक्वल टू माइनस के सी, ए अल्फा प्लस में बी इक्वल टू माइनस के सी अपॉन में अल्फा, ये मेरे पास फर्स्ट इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही यहाँ पर ए बीटा स्क्वेयर प्लस में बी बीटा इक्वल टू माइनस के सी, बीटा कॉमन आ गया तो ए बीटा प्लस में बी इक्वल टू माइनस के सी, ए बीटा प्लस में बी इक्वल टू माइनस के सी अपॉन में बीटा, ये आ गई वैल्यू आप देख सकते हो।
अब दोनों वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे आंसर आ जाएंगे। आप समझ सकते हो वन अपॉन में क्या बन गया, ये माइनस के सी अपॉन में अल्फा का स्क्वेयर, और वन अपॉन में यहाँ पे माइनस के सी अपॉन में बीटा का स्क्वेयर। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर अल्फा बीटा रूट हैं, क्योंकि इसमें रखी है एक्स स्क्वेयर माइनस के 5x प्लस के, और अल्फा माइनस की बीटा दे रखा है 1 के इक्वल। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस के बी अपॉन में ए 5 हो जाएगा, और अल्फा बीटा क्या होगा यहाँ पर के हो जाएगा। तो हम ऐसा करें अल्फा बीटा वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें तो सोल्व हो जाएगा। तो अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू 5, बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इक्वल टू 6, अल्फा वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3। तो अल्फा वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दें तो 3 माइनस के बीटा इक्वल टू 1, तो 3 माइनस के 1 इक्वल टू बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा। तो बीटा यहाँ पे 2, अल्फा यहाँ पे 3 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ओके अब हम सेकंड पार्ट निकाल लें, के एक्स स्क्वेयर प्लस में 4x प्लस में 4, और अल्फा स्क्वेयर प्लस में बीटा स्क्वेयर दे रखा है 24। तो यहाँ भी आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस के 4 अपॉन में के, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 4 अपॉन में के। हमें के की वैल्यू निकालनी है तो ये गिवन है मेरे पास। तो हमें पता है फॉर्मूला अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर माइनस के 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 24, अल्फा प्लस बीटा स्क्वेयर क्या होगा माइनस के 4 अपॉन में के का स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा का 4 अपॉन में के, 24 16 अपॉन में के स्क्वेयर माइनस के 8 अपॉन में के। तो 24 इक्वल टू के स्क्वेयर क्या आ गया यहाँ पर एलसीएम, तो 16 माइनस के 8 के, तो आप सोल्व करेंगे इधर क्या हो जाएगा, ये 24 के स्क्वेयर इक्वल टू 16 माइनस के 8 के। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ इधर लेके, तो 24 के स्क्वेयर प्लस के 8 के माइनस के 16 इक्वल टू 0। कहाँ से 8 कॉमन आया, 8 3 के स्क्वेयर प्लस में के माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो आपने क्या बनाने पड़ेंगे इसके फैक्टर, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे आपको। 3 टू जा 6 तो आनी चाहिए मल्टीप्लीकाई मल्टीप्लाई, 6 तो क्या आनी चाहिए मल्टीप्लाई, 1 क्या आना चाहिए उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो 6 1 जा 6, 3 के स्क्वेयर प्लस में 6 के प्लस में के नहीं माइनस के माइनस के 2, तो 3 के कॉमन आ गया यहाँ पर, तो के प्लस में 2 माइनस के 1 कॉमन, तो के प्लस में 2 इक्वल टू 0, के प्लस में 2 3 के माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2, 3 के किसी और हो गया 1 के बराबर, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। ऐसे आपने सोल्व करना है। थर्ड पार्ट सेम टू सेम सेकंड पार्ट की तरह है, वो आप सोल्व कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड और थर्ड पार्ट की तरह है। उसमें दे रखा है अल्फा स्क्वेयर प्लस में बीटा स्क्वेयर इक्वल टू माइनस के 11/25, सेम ऐसे ही, और 5x² माइनस के प्लस के 3x प्लस में के, ये पॉलीनोमियल दे रखा है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये आप निकाल सकते हो। सेम टू सेम सेकंड पार्ट की तरह 8th का सेकंड पार्ट है। अब आते हैं 10th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 इज नेगेटिव
नेगेटिव ऑफ अदर, एक जीरो दूसरे की क्या है नेगेटिव है, तो के की वैल्यू निकालनी है, फाइंड के निकालना है। और मुझे दे रखा 2x² माइनस के 3k प्लस 1x माइनस के 9। ये तो जब एक दूसरे का नेगेटिव है, तो मान लो अल्फा बीटा है, तो ये अगर मैं अल्फा मानता हूं तो बीटा क्या बन जाएगा माइनस के अल्फा। उसने क्या कहा है कि एक जीरो दूसरे जीरो की क्या है नेगेटिव है, तो एक अल्फा दूसरा क्या हो जाएगा माइनस के अल्फा। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा माइनस के बी, 3k प्लस में 1/2। और अल्फा तो अल्फा है ही, बीटा किसके बराबर है माइनस के अल्फा, 3k प्लस में 1/2। तो क्या हो गया जीरो, 3k प्लस में 1/2, 2 भी इधर क्या होगा जीरो, 3k प्लस में 1=0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 1/3। ओके, अब 11th का ए पार्ट, बी पार्ट, 12th, 13th, ये बहुत ही इजी हैं जो आप इजीली कर सकते हो, बस थोड़ा सा हिंट की जरूरत है आपको, वो देखें। मैंने पहले ही बता दिया, अगर मेरे पास कोई पोनोमियल सम दे रखा है या फिर प्रोडक्ट दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस सम ऑफ जीरो, फिर यहाँ एक्स आ जाएगा, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो 11th, 12th, 13th में ऐसे ही कर रखा, कहीं पर तो सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखी है, कहीं पर वो जीरो ही दे दी। अगर जीरो दे रखी है तो उसका सम निकाल लेंगे पहले, फिर उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और वो वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। अगर कहीं पर सम की जगह वो दो सम दे रखा है तो डायरेक्टली हम पुट कर देंगे। जैसे हम 11th क्वेश्चन का ए पार्ट लेते हैं, ए पार्ट के अंदर सम ही दे रखा है, तो सम दे रखा है 7, फर्स्ट पार्ट लेता हूँ मैं, और प्रोडक्ट दे रखा है 10। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x² माइनस के 7x प्लस के 10, ये आंसर आ गया। अगर थर्ड लेता हूँ, सम दे रखा है 1/6 और प्रोडक्ट दे रखा है माइनस के 1/3, तो फॉर्मूले में x² माइनस के सम और प्लस के प्रोडक्ट, तो माइनस के 1/3। तो आप लिख सकते हो x² माइनस के 1/6x माइनस के 1/3। अगर इससे भी आंसर नहीं मिलता तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, अदरवाइज ये भी ठीक है। अब मान लो 8th, 7th पार्ट दे रखा है रूट में, सम दे रखा 3 माइनस के रूट 2 और प्रोडक्ट दे रखी है माइनस के 2√2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x² माइनस के सम 3 माइनस के √2x प्लस प्रोडक्ट माइनस के हो जाएगा यहाँ पर 2√2। अगर आप सोल्व इतना ही सोल्व करना बहुत है। बी पार्ट में भी सम दे रखा है, वैल्यू पुट करनी है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है। उसके बाद 12th में भी सम और प्रोडक्ट दे रखा है, वैल्यू पुट करनी है। 13th क्वेश्चन में जीरो दे रखी है, तो पहले उसका सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे और वैल्यू पुट कर लेंगे। तो आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 13, ये आपने अपनी कॉपी में सोल्व करने हैं, 6 से लेकर 13 तक। ओके, थैंक यू।